अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, अम्मी के किचन में आज आप सभी का स्वागत है। और आज मेरी मम्मी बनाने जा रही हैं मिक्स पुलाव, जो कि अब स्टार्ट होने वाला है। देखिए, मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूँ, मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ सब्जी अपना। यहाँ मैं चावल के लिए पानी चढ़ा चुकी हूँ, सिर्फ ठीक है। पहले मैं चावल में थोड़ा तेल दे रही हूँ, उसके बाद में मैं नमक दे रही हूँ अंदाज से। आप लोग अपना अंदाज से नमक दीजिएगा। मैं दे रही हूँ 2 चम्मच, 1 चम्मच दे चुकी हूँ और 1 चम्मच दे रही हूँ, ठीक है। बाद में आप देख रहे हैं ना, मैं पानी चढ़ाई हूँ चावल के लिए और उसके बाद में नमक दी हूँ, उसके तेल भी दे चुकी हूँ। उसके बाद में मैं 2 तेज़पत्ता दे रही हूँ इसी में, इसमें लौंग दे रही हूँ 6 और दालचीनी। आप अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। अब मैं इसको भाग दे रही हूँ। अब हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं जा रही हूँ ऑयल डालने। देखिए, मैं अपने हिसाब से तो तेल दी हूँ, आप भी अपने हिसाब से तेल दीजिएगा, ठीक है। तेल को गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें आलू, सबसे पहले मैं आलू फ्राई करूँगी। आलू मैं तेल में छोड़ चुकी हूँ, उसके बाद मैं अपने अंदाज से नमक दे रही हूँ। जरा सा एकदम जरा सा आलू फ्राई हो रहा है, हल्दी दे रही हूँ, देख सकते हैं। देखिए, मेरा आलू लाल हो चुका है, ज़्यादा लाल, ठीक है। अब मैं सब आलू निकाल दे रही हूँ। देख सकते हैं, आलू तो मैं फ्राई करके निकाल चुकी हूँ। अब मैं इस वही तेल में मैं गाजर छोड़ने जा रही हूँ। एक एक करके आपको सब्जी छोड़ना है, मतलब वेजिटेबल एक एक कर कर आपको छोड़ना है। देखिए, बुलाते जाइए। अब इसके बाद में मैं बीन छोड़ने जा रही हूँ। बीन इसको भी हिला लीजिए। उसके बाद में मैं मटर छोड़ने जा रही हूँ, चिली मटर। उसके बाद में फूल गोभी, ये भी छोड़ दे रही हूँ। अब इसको मैं तेल में थोड़ा फ्राई करूँगी। शिमला मिर्चा बाकी है, वो मैं बाद में छोड़ूंगी, इसलिए वो सब्जी जल्दी गल जाती है। अब इसके बाद में मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ 1 चम्मच नमक। मैं अंदाज में नमक दे चुकी हूँ और 1 चम्मच मैं अदरक लहसुन का पेस्ट दे रही हूँ। उसके बाद मैं ये 1 चम्मच गोलमिर्च का पाउडर दे रही हूँ। उसके बाद मैं ये अपना गरम मसाला दे रही हूँ 1 चम्मच और 1 चम्मच मैं गरम मिर्चा दे रही हूँ, मिर्चा का पक्की दे रही हूँ। ये सारा मसाला इसमें ऐड हो चुका है, जैसा कि आप सबने देखा है। अब इसे अच्छे से आपको फ्राई करना है। यहाँ सब्जी फ्राई हो रहा है और बहुत ही अच्छा स्मेल आ रहा है गाइस, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इतना अच्छा यहाँ स्मेल आ रहा है। देखिए, मेरी सब्जी तो फ्राई हो चुकी है, मैं बीच में सब साइड करके मैं बीच में प्याज छोड़ चुकी हूँ। कच्चा प्याज आपको बीच में लेना है, देसी इसको लाल करना नहीं है। देखिए, मेरा सब्जी आप देख सकते हैं आधा फ्राई हो चुका है। मैं बोली थी ना शिमला मिर्चा मैं उसके बीच में दूंगी, तो वो हो गया। तो मैं ये अब शिमला मिर्चा छोड़ रही हूँ, क्योंकि शिमला मिर्चा जल्दी गल जाती है। देखिए गाइस, मैं इसमें पानी दही नहीं चुकी हूँ, आप सिर्फ तेल और मसाला में इसको फ्राई करिएगा। हाँ, एक ज़रा भी पानी नहीं गया है इसमें, इसको सिर्फ आपको ऑयल पे ही फ्राई करना है, बस ऑयल और मसाले में फ्राई करना है। एक प्याला दही दे रही हूँ, उसको मैं अच्छे से फेंट ली हूँ। सबको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, मैं एकदम एंडिंग में आलू दे रही हूँ, आलू जो फ्राई करी थी मैं आलू दे रही हूँ।
इसमें आलू भी ऐड हो चुका है और इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। मेरा सब्जी रेडी है। दो तीन मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स कर, 2-3 मिनट मिक्स कर चुके हैं गाइस। अब इसमें आप नमी और इसमें मैं 2 चम्मच चीनी देने जा रही हूँ। 2 चम्मच आपको शुगर दे देना। 2 मिनट तक इसे अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद आपको पानी इसमें ऐड करना है, बस थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा सा पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद इसे फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लें। पानी देने के बाद आप उसको अच्छे से मिक्स कर ले। उसके बाद इसे थोड़ा देर तक ऐसे ही छोड़ दे 2 मिनट के लिए। सब्जी रेडी हो चुका है और यहाँ हम लोगों का पानी भी एकदम खौल रहा है। अब इसमें हम लोगों का चावल भी हम लोग धोकर रख चुके। अब मैं चावल छोड़ रही हूँ, चावल छोड़ चुकी हूँ। हम लोगों ने यहाँ इंडिया राइस लिया है। आप कोई भी राइस से ये बना सकते हैं गाइस, जैसा आपका इच्छा हो कोई भी राइस से बना सकते हैं। देखिए मेरा चावल हो चुका है। 5 से 6 मिनट में चावल को पकाई हूँ और पकाने तो रेडी हो चुका है। चावल भी मेरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें जरा देने जा रही हूँ दूध, 1 कटोरा दूध। दूध तो दे चुकी हूँ। अब इसके ऊपर मैं गर्म मसाला दे रही हूँ। अब अपने अंदाज से गरम मसाला दे दीजिए। अब इसमें मैं चावल ऐड कर रही हूँ। इस तरह से आपको चावल ऐड करना है। देखिए मैं चावल छोड़ चुकी हूँ 5 मिनट के लिए, ढक के छोड़ दे रही हूँ। दम चुका है, बहुत अच्छा दम हो चुका है ये। देखिए मेरा दम हो चुका है। इसको खूब अच्छा से मिक्स करना है। मिक्स करना है, इसे पूरा आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। कुछ इस तरह से आप लोग भी मिक्स कर लीजिए। फाइनली हम लोगों का वेज पुलाव रेडी हो गया। देखिए गाइस खाने के लिए रेडी है। फाइनली संडे स्पेशल वेज पुलाव रेडी हो चुका है और हम लोग इसको सर्व किए हैं ग्रीन चटनी के साथ, जो कि आप अपने घर पे इजीली बना सकते हैं। इसका रेसिपी हम लोग आपको कुछ दिन बाद इसे अपलोड करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। अब मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है, अब मैं इसे खाने के लिए जाती हूँ। अगर आप लोगों को भी खाना है तो आप लोग भी जल्दी जल्दी आ जाइए गाइस। मम्मी के किचन में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। लाइक करिएगा आप लोग और टाटा, अल्लाह। अभी ये बोल रही है लाइक कर दीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा हम लोगों को।